अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। वसंतराव नाईक अधिकारी कर्मचारी संघटना जामनेर यांच्या वतीने बंजारा समाजातील 10वी 12वी नीट सीईटी स्कॉलरशिप व पदवी घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त गुणगौरव सोहळा संपन्न झाला। या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान वसंतराव नाईक अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष बी धाडी सर होते। प्रमुख पाहुणे म्हणून गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्टचे अध्यक्ष श्याम चैतन्यजी महाराज त्यांनी गुणवंत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले। यावेळी भारमल नाईक, सहसचिव रोहिदास पवार, जिल्हा उपाध्यक्ष विठ्ठल जाधव, तालुका अध्यक्ष बन्सीलाल चव्हाण, जळगाव तालुका अध्यक्ष विनोद राठोड, सचिव गजानन चव्हाण, भडगाव तालुका अध्यक्ष एम आर राठोड उपस्थित होते। तसेच युवा जिल्हाध्यक्ष निलेश चव्हाण, सुभाष नाईक, गोकुळ महाराज, भानुदास चव्हाण, डॉक्टर प्रकाश चव्हाण, नटवर चव्हाण, बन्सीलाल चव्हाण, विठ्ठल जाधव, जितेंद्र नाईक, कुखराज पवार, गणेश राठोड, रमेश चव्हाण, रोहिदास पवार, अशोक पवार, चिंतामण राठोड, खेमराज नाईक, प्रकाश चव्हाण, सुदाम चव्हाण, सुभाष राठोड, प्रदीप जाधव, तुकाराम राठोड आदी उपस्थित होते। अधिकारी कर्मचारी संघटना इनके द्वारा जो विद्यार्थी 10वीं 12वीं नीट में अच्छे मार्क से पास हुए है उनका ये जो एक सत्कार समारोह रखा है, इस प्रोग्राम में उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय धाड़ी सर और इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सक्सेस करने में हमारे विठल गुरुजी है, हमारा बंसीलाल है और पूरा कर्मचारी संगठना और सम्माननीय व्यासपीठ, आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय वसंत। भूख लग रही होगी, लेट हो गए। मुझे प्रसन्नता है, मैं वसंतराव नाईक अधिकारी कर्मचारी संगठनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो युवा देश का भविष्य है वो पास आउट होने के बाद में उनको एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा मिले, उन्हें एक अच्छी प्रेरणा मिले और वहीं रुक कर वो आगे अच्छे से कैसे बढ़े उसके लिए उनका जो एक सम्मान रखा गया है, सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर हमने अभिनंदन किया। आज भी हमारे कई बच्चे प्रदेश में है, आज नीट में हमारी वो बेटी देखो जालना साइड के उसको 720 में से 700 मार्क थे। हमारी बेटियां ये आदर्श है, हमारे लिए जितनी भी बेटियां बेटी उनके लिए जोरदार ताली बजाना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़े। आज जरूरत है कि हमारे बच्चों को हम एक अच्छे संस्कार देके, मैं विनती करूँ बार बार, मेरी एक बात का बहुत लोगों को पूछती है, मोबाइल है, फेसबुक है, मैं बार बार मैसेज डालता हूँ, उसका कारण है कि लोग दिन भर मेरे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, ईश्वर ये रिकॉर्डिंग कर, मैं आज देख रहा हूँ कि देश में निगेटिव बातें इतनी पसरी जा रही है, इधर अमुक हो गया, इधर बलात्कार हो गया, इधर मार डाले, इधर तोड़ डाले, उधर फोड़ डाले, ये सारी विकृतियां माथे में घुसती है, वैसा आदमी बनता है। मैं पत्रकार बंधुओं से विनती करूं कि हमने अच्छे कार्य भी समाज तक पहुंचाना चाहिए। आप पहुंचा रहे हो, ये नहीं है, लेकिन फिर भी रोज यही बातें एक ही बातें, बलात्कार खोपड़ी में वो कचरा भरा रहा है। इसलिए हमारे आने वाले युवाओं को, युवतियों को, हमारे भाइयों को एक सकारात्मक अच्छी चीजें हम कैसे दे, इस चीज की अत्यंत जरूरत है। हमारे संत श्री सेवालाल महाराज हो गए, संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू हो गए, उन्होंने क्या नहीं दिया हमें, आज उनके आशीर्वाद से मैं खड़ा होने तो मेरी क्या लायकी थी, मैं 250-300 रुपए मुझ गए यार, पिता नहीं तो मेरी लायकी क्या थी, लेकिन तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। गली में कोई भी लड़की तेरे को दिखे उसको बेटी मान, उसकी तरफ कोई गलत निगाह से देख रहा है तो उसकी आँख फोड़ने की तैयारी कर, ये संस्कार की जरूरत है। आज हमारी खोपड़ी में इतना कचरा भरा है, वो किधर देख रहा है, वो किधर देख रही है, वो किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, अरे तू क्या कर रहा है ये देख, तू क्या कर रहा है ये देख, अपने को क्या करना है। हमारे दिमाग में हम जो कचरा भरेंगे वही कचरा हमारे अंदर आता है। इसलिए आज हम, मुझे खुशी है वसंतराव नाईक जी के लिए, उन्होंने एक बात कही थी कि यदि मैं पूरे देश को अन्न धान्य से पूरा नहीं कर दूंगा तो मुझे अरे चौक में फांसी दे देना। अरे यार ऐसे महापुरुष है हमारे लिए, तो ऐसे के गुणगान करने के लिए, ऐसे
भविष्य के गौरव गाथा गाने के लिए यदि हम लोग पूरी ताकत लगाकर समाज संगठन होकर एक आदर्श स्थापन कैसा हो ये न करें तो हम कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए मैं माफी चाहूंगा कि मुझे समय के अभाव में मैं आप तक आपके बीच में नहीं रुक पाऊंगा। तो जब भी कोई गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्ट के लिए यथा योग्य सेवा लगे मैं गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्ट की वजह से आप तरफ से आपको यहाँ शब्द देता हूँ, हमसे जितना बने हम जरूर आपको सेवा देंगे। हमारी बेटी है या हमारे बेटे है उनके भावी जीवन के लिए मैं गुरुदेव से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन उत्तीर्ण होते जाए, हमेशा ऐसा बढ़ते जाए। किसी भी प्रकार से आप अटके ना। आज वातावरण गड़बड़ है, बहुत सारे कैफे बन गए हैं, कैफे में दुनिया भर के सब कभी कितंबे है। हमारे बच्चों को हमने माँ बाप ने बेटी कब जा रही है, कब आ रही है, बेटा कब जा रहा है, कब आ रहा है, यदि हम ये सिक्योरिटी रखे तो एक न एक दिन आपका बच्चा आपका नाम, गली का नाम, गांव का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम रोशन कर सकता है। गुरुदेव की सेवा है, गुरुदेव का आशीर्वाद समझ के, ये मैंने कोई तुम्हारे पे उपकार नहीं किया है, ये किसी ने मुझे दिया एक अच्छा काम के लिए तुमने किया तो मेरा कर्तव्य है, आगे कर्तव्य है कि अच्छे काम में मैंने तुमको सपोर्ट करना चाहिए। आज हम स्वर्गीय वसंतराव जी नायक इनकी 111वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक सुंदर आयोजन कर रहे हैं। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा है तीन दिन पहले, शायद यावल के चोपड़ा का, चोपड़ा में सही में उन्होंने जो वसंतराव नायक की जयंती के उपलक्ष्य में जो रैली निकाली, एक मिरवणूक निकाली, ये मिरवणूक का आदर्श लेना हमारा भी कर्तव्य है। क्या होता है हम एक दिन बैठ जाएंगे, दो घंटे चर्चा कर लेंगे और सिर्फ एक दूसरे का सम्मान कर लेंगे, कुछ बच्चों को एक गिफ्ट दे देंगे और रुक जाएंगे, नहीं। जिस व्यक्ति ने 11 साल अखंड मुख्यमंत्री पद भोगा है उसकी जयंती मैं हर साल बोल रहा हूँ, 3 साल पहले भी मैंने इस बात पर जिक्र किया था, इतनी जोरदार होनी चाहिए कि हमारा आदर्श दूसरों तक पता चले। आज जो वसंतराव नायक जी का नाम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे आ रहा है, हम उसको आगे कैसे बढ़ाए, आने वाली पीढ़ी को उनकी प्रेरणा अच्छी कैसे मिले। हम सोचते हैं कि वसंतराव नायक जी ने उनको क्या बोला जाता है, हरित क्रांति के प्रणेते। मैं विनती करूं यहाँ जितने लोग बैठे हैं हर एक ने यदि वसंतराव नायक जी की स्मृति में 5 वृक्ष यदि लगाते हैं तो वसंतराव नायक जी की जयंती हमने करी, वसंतराव नायक जी की आत्मा खुश होगी और वो हमें आशीर्वाद देंगे। आज हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग इतनी जोर से बढ़ रही है, आज हम हमारे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे मकान बना के जा रहे हैं, कुछ खेतियां लेके जा रहे हैं लेकिन पेड़ पौधे नहीं लगा रहे। यदि अच्छे अच्छे मकान बना के चले जाएंगे और पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, आपने कोरोना में देखा है करोड़ों पत्ती लोग ऑक्सीजन के अभाव में अपने जीव को गंवा दिया। यदि हम पेड़ नहीं लगाएंगे, पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर हम अभागे ठहर जाएंगे। इसलिए मित्रों हो, हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि हमारे घर में यदि बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, हर एक बच्चों को हमने अच्छे संस्कार देना चाहिए। और आज कलयुग है महाराज, कलयुग की इतनी भयावह अवस्था आने वाली है, जिसने अपने परिवार को संभाल लिया वो जीत गया, नहीं तो काय कोणाचे केले ज्याचे त्याने आहित केले। मित्रों हमारी जिम्मेदारी है, यदि कोई अच्छा काम कर रहा है, मैं ये कार्यक्रम में विशेष कर रुकने की पूरी कोशिश रहती है लेकिन क्या करूं, आप जैसे प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग हो गए और मैं अकेला हो गया तो कहीं कहीं मेरी नाइलाज हो जाता है, नहीं तो ऐसे समय में ऐसे कार्यक्रम में पूरा समय दूं और रुकूं। मैं मेरे बच्चों से भी कुछ सुनना चाहता हूँ, हमारे ये जो दिख रहे छोटे छोटे लेकिन इतनी इतना टैलेंट है, इतना कुछ भरा हुआ है, सिर्फ हमने अच्छे संस्कार देकर उनमें से निकालना है। या बातमी इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।